हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो आपको मिली है लेकिन आपने कोई सर्विस नहीं दी है। जैसे मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कहीं पे टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैंने टीचिंग की, मैंने वहां पे बच्चों को पढ़ाया, मेरे को सैलरी मिली, तो वो तो ट्रांसफर इनकम नहीं है, राइट। उसको फैक्ट्री इनकम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे आप हो, आपको पॉकेट मनी मिली लेकिन आपने बदले में कोई सर्विस थोड़ी दी है, ठीक है ना, तो उस पॉकेट मनी को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। यानी पैसा मिला है, खाली रिसिप्ट है, ठीक है ना, और इसको इनकम, इसलिए इसको नेशनल इनकम में भी काउंटर नहीं करते हैं। आई होप क्लियर होगा। आइए देखते हैं, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है कि इनकम रिसीव्ड हुई है, यानी पैसे मिले हैं आपको, डोंट वरी, लेकिन आपने बदले में, ठीक है ना, कोई प्रोडक्टिव सर्विस थोड़ी दी है, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल पॉकेट मनी, ठीक है ना, कि भाई आपको पॉकेट मनी मिल गई लेकिन आपने कोई सर्विसेज थोड़ी दी है, ठीक है ना, समझ रहे हो, कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज थोड़ी दी है, इसलिए इसको नेशनल इनकम का पार्ट भी नहीं मानते, राइट। इसलिए इसको नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानते, इसलिए बोलते हैं इसको ट्रांसफर इनकम, कि सिर्फ ट्रांसफर हुई है, ठीक, समझ रहे हो। हाँ, ओके, आई होप क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। चलो बाय।